महात्मन, यह आपके पुत्र की लाश पड़ी है। बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, बेटा, बेटा शर्मन, तेरी ये हालत, तुम हमारे हाथों को मजार में छोड़कर चला गया। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। रोते हुए माँ को दिए तो बेटा, वो कब से चिल्ला रही है बेटा, बेटा, आगे तो खोलो बेटा। अंतराज, आप धीरे धीरे हौसला करो, पनाचा टूटने को ही है, वो एक दिन तो टूटेगा, जिसे है टूटना संभालो, लाख टूटेगा। चुप रहो मेरे बच्चे के कातिल, चुप रहो, इस खूनी को मैं समझता हूं, मत समझो कि ये समझाता है, मासूम का वध करके इसका हौसला बढ़ता जाता है, एक तीर चलाया हाथों से अब मुंह से बाण चलाता है, मारने वाला शर्मन को अब हमें मारना चाहता है। बेटा क्षमा महाराज क्षमा, भला इस शर्मन बेचारे ने मेरा क्या बिगाड़ा था, और आपने ही कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ा था, जो मैंने ये बदला चुकाना था, और इस निर्दोष को मारकर आपको कष्ट पहुंचाना था। अच्छा राजन, अब ये बताओ, जो हुआ आप जल्दी जाओ और कहीं से सूखी लकड़ियां चुनकर ले आओ और चिता बनाओ। महाराज आप धीरज धरे, मैं अभी चिता तैयार करवाता हूं और इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करवाता हूं। चिता, किसके चिता, किसके लिए चिता? आहा, कैसा भयानक शब्द है चिता, मगर नहीं, चिता है इसलिए कि यह हमारे तन जला देगी, परंतु धन्य है क्योंकि ये हमें हमारे बेटे से मिला देगी। अरे एक बार क्या हम जब भी इकलौता पिसर पाए, चिता चाहते हैं हम तुझ पे कि सौ सौ पार डल जाए। ठहरो, इसे पीछे धरो, पहले मुझे जिंदा कर ले डाल, जिधर बेटा गया है उसकी माँ का मुंह भी उस तरफ कर दो। ये अंधराज, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, बेटे के साथ आप भी चिता पर बैठ रहे हैं। लीलाधारी, यह आप क्या करतब दिखा रहे हैं,
ये करदार, ये क्या कर रहे हो? मुझ पे बस अनाचार से आप ये क्या कर रहे हो? दशरथ, देर क्यों लगाते हो? आओ, जल्दी शीघ्र चिता को आग लगा, नहीं तो हम आहा जो करेंगे, प्रलय को जगा देंगे, दुनिया को तेरी है कातिल, हम आग लगा देंगे, हम श्राप जो देंगे, असर उसका दिखा देंगे, तुझको तेरी प्रजा को हम तेरे कुल को जला देंगे। देया माता, देया बचपन, देया परमाता, परमात्मा तुम्हारी इच्छा तो तुम ही देख रहे हो। मैं रघुवंशी हूं, मेरा धर्म दुखोरों के हरता है, गरीबों के दुखे हुए खोए हुए हंसते डरता है, जो मारा तीर था वो भी ना मर्जी से मारा है। अरे ये निचता का काम मुझे लाचार कराता है। हे राजन, राजन, जिस तरह तूने हमें हमारे बुढ़ापे में चैन दिन दिखलाया है, तो भी इसी उम्र में पुत्र के वियोग में ताप ताप कर मरेगा, ताप ताप कर मरेगा। राजन, एक दुखिया माँ का श्राप भी सुनते जिस तरह हम दोनों को अवगत मारा है, इसी तरह ऐन वक्त पर तेरा किया कर्म करने वाला भी तेरे पास नहीं होगा, नहीं होगा। हे महात्माओं, यह आपका श्राप नहीं, यह तो मेरे लिए वरदान है, क्योंकि क्योंकि मेरे यहां तो कोई औलाद नहीं है। आपके इस श्राप से मैं औलाद का मुख तो देख सकूंगा,